गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। मैं जितेंद्र कुमार कुमावत आपको इंग्लिश का टॉपिक जो अपन ने पीछे छोड़ा था वो अपन कंटिन्यू करते हैं। आपको पता होगा शायद क्लोज पढ़ाया था मैंने, तो अपन आगे पढ़ते हैं। कल अपन ने हु के बारे में थोड़ा बहुत विचार विमर्श किया था, पढ़ा था, थोड़ा डिस्कस किया था। हु के बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज अपन रिलेटिव प्रोनाउन नाम का जो अपना टॉपिक है, जो क्लोज नाम का जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक को अपन क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल का टॉपिक समझ में आया तो आज अपन ले लेते हैं बेटा जी। ठीक है, हुम। आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हुम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि हुम जो होता है उसका मीन्स क्या होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हुम का जो मीन्स होता है ना, वो किसे या किसको होता है। बिल्कुल करेक्ट है, बट जब इसका यूज अपन क्लोज में करते हैं तो इसका मीन्स कभी भी क्या नहीं निकलता है बेटा, किसे या किसको नहीं निकलता है। ठीक है, इसका मीन्स जो होगा बेटा, ठीक है, वो क्या निकलेगा बेटा, जिससे या जिसको। ठीक है, नगद वाले डिस्को और उधार वाले किसको। ठीक है, आप कहेंगे कि सर तो यहां पर मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं बेटा, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसका जो यूज होगा बेटा हुम का, ठीक है, वो कौन से केस में करेंगे बेटा, अपन ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज कर लेंगे। कहने का मतलब ये होगा बेटा जी, ठीक है, कि हुम जो होगा ना वो किसकी तरह एक्ट करेगा रे बेटा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, जब भी हुम का यूज अपन ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। वो ऑब्जेक्ट्स अपने कौन से होंगे बेटा, हिम होगा। ठीक है, ऐसे अपना हर हो जाएगा, और लास्ट जो अपना ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो कौन सा रहेगा बेटा, अपना देम रहेगा। इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा बेटा, कैंसिल कर दूंगा। मैंने क्या कहा कि हुम का जो हिंदी मीन्स होता है वो जिसे या जिसको होता है। इसका यूज ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में जब इसका यूज होता है तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या कर देते हैं बेटा, कैंसिल कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है, कौन कौन से बेटा, हिम, हर और देम। ठीक है, अब हुम को अपन समझने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक फॉर्मूला बना लेंगे। और वो फॉर्मूला अपना क्या रहेगा बेटा, कि अगर ब्लैंक से पहले अपने वो क्या दिया हुआ था बेटा, कोई पर्सन दिया हुआ था। जहां तक बात पर्सन की अगर मैं करूं तो पर्सन मैंने आपको कल भी बताया था कि पर्सन कौन सा होना चाहिए बेटा, ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए। और अगर ब्लैंक के बाद में भी अपने को पर्सन दिया हुआ था, वही ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में अगर अपने को कोई वर्ब दी हुई आती है, जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था कि वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे वो मेन वर्ब हो, वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या बन रहा है कि ब्लैंक से पहले पर्सन होगा, ब्लैंक के बाद पर्सन होगा, और फिर क्या होगी बेटा, वर्ब होगी। तो अपन किसका यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे। इस बात को समझने के लिए, इस फॉर्मूले को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की अपने वो क्या रहेगी बेटा, जरूरत पड़ेगी। तो वो एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप मेरे को बताना, ठीक है, कि कितना आपको समझ में आ रहा है। देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया और मैंने लिखा साहब दिस इज द गर्ल, ना दिस इज द गर्ल मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सर आप तो रोज ही एक ही एग्जांपल देते हो, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। ठीक है, कभी बॉय भी ले लिया करो, तो आज मैं बॉय के बारे में बताता हूं, दिस इज द बॉय, ताकि लड़के क्या ना हो साहब, मेरे से नाराज ना हो, बॉयज नाराज ना हो। इसके लिए बॉयज का भी तो थोड़ा बहुत जिक्र करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं लिखा दिस इज द बॉय, ठीक है, और मैं यहां पर लिख दूं यू टोट। ठीक है, इतना मैंने सेंटेंस दे दिया, और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं हुम और हुज। आपको बताना है कि यहां पर हुज या हुम में से किसका यूज होगा। तो ये समझने के लिए अपन क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अपन देखते हैं ब्लैंक से पहले अपने को क्या दे रखा है, ब्लैंक के जस्ट पहले अपने को दे रखा है बॉय। बॉय मेरे हिसाब से तो क्या होता है बेटा, ह्यूमन बींग, और आप अपने हिसाब से एनिमल भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बॉय की बात हो रही है तो ह्यूमन बींग तो बोल सकता हूँ एक पर्सन है। ब्लैंक के बाद में चलते हैं, ब्लैंक के बाद में अपने को क्या दे रखा है बेटा, यू दे रखा है। यू आपने नरेशन पढ़ा होगा, नरेशन में यू क्या होता है बेटा, सेकंड पर्सन होता, तो पर्सन ही है। ठीक है, तो यहां पर पर्सन के लिए इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो पर्सन पर्सन, और टोट जो है वो एक क्या होती है बेटा, वर्ब होती है, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, टोट होती है। तो ये क्या हो गई बेटा, एक वर्ब हो गई। ठीक है, यहां पर देखो अपना रूल बन रहा है पर्सन पर्सन वर्ब, और देखो एग्जांपल में भी यही आ रहा है पर्सन पर्सन वर्ब। तो डेफिनेटली मैं कैसे
सकता हूं कि यहां पर यूज किसका होगा, हुम का ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, उम्मीद है आपको हुम का ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी भी अगर किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आया है तो एक दो एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया आई सो, ठीक है, रमेश, मैंने क्या लिखा है बेटा, आई सो रमेश, और मैं यहां पर लिख दूं साहब माई मदर, मैंने क्या लिखा बेटा, माई मदर नोज, इतना मैंने सेंटेंस लिखा है और आपको मैंने लिख दिया साहब हुम और हुज। फिर आपके सामने मैंने ऑप्शन दिए और मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के हुम जो है, हुम का जो टॉपिक है वो हुम का टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो जाना चाहिए। ब्लैंक से जस्ट पहले देख लेते हैं क्या दे रखा है बेटा, पर्सन दे रखा है, ब्लैंक के जस्ट बाद में चलते हैं क्या दे रखा है बेटा, मदर दे रखी है, तो क्या आ गया, ये भी पर्सन आ गया, और फिर क्या दे रखा है बेटा नोज, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, तो पर्सन पर्सन वर्ब, तो रूल किसका लग गया बेटा, यहां पर हुम का रूल लग गया। तो अपन ने क्या पढ़ा बेटा, हुम पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट अपना रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का अपना क्या नाम बेटा, हुज, जिस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या नाम बेटा अपना, ठीक है, हुज। हुज मेरे अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, हुज का जो मींस होता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है, कि हुज जो होता है उसका मींस किसका, किसकी, किसके होता है। बट बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी भी मिसगाइड ना हो, क्लोज में जब भी अपन हुज का यूज करते हैं तो कभी भी इसका मींस किसका, किसकी, किसके नहीं निकलता है। इसका जो मींस होगा बेटा वो क्या निकलेगा, जिसका, ठीक है, जिसकी, और इसका मींस क्या निकलेगा बेटा, जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके। इसका जो यूज होता है बेटा मैं आपको बता दूं, ठीक है, हुज का जहां यूज होता है वहां पर हुज क्या कर देता है बेटा, रिलेशन शो करता है। क्या शो करता है बेटा, रिलेशन शो करता है। रिलेशन शो करने की बात बताऊं तो ये क्या बताता है बेटा, संबंध बताएगा आपको, ठीक है। तो जब भी अपन हुज का यूज करेंगे तो कुछ पजेसिव प्रोनाउंस को मैं क्या कर दूंगा बेटा, कैंसिल कर दूंगा। वो पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होंगे बेटा, जैसे मैंने ले लिया हिज, मैंने ले लिया यहां पर हर, और मैंने यहां पर ले लिया बेटा देयर। ये रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या, सॉरी, ये पजेसिव प्रोनाउंस में क्या कर दूंगा बेटा, कैंसिल कर दूंगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका यूजेज बताओ, ठीक है, ये तो हमें भी पता है कि साहब हुज जो होता है वो रिलेशन शो करता है, बट हमारा जो आइडिया है वो भी तो क्लियर होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे लेंगे, ठीक है, तो आपके ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर कह देता हूं, अगर आपने क्लोज का टॉपिक सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में नहीं सीखा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये आप कहीं पे भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप, ठीक है, यहां पर थोड़ा फोकस करें और अपने साथी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए बेटा, ये टॉपिक्स के जो वीडियो हैं, ठीक है, वो क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके बेटा, ठीक है, फायदा हो सके। ठीक है, इसका अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं उसका। तो ब्लैंक से पहले क्या दिया हुआ आएगा बेटा, पर्सन दिया हुआ आएगा, ब्लैंक के बाद में क्या दिया हुआ आएगा बेटा, पर्सन दिया हुआ आएगा, और फिर इसके बाद में क्या दी हुई आएगी बेटा, आपको वर्ब दी हुई आएगी। अब कई बच्चे हंसने लग जाएंगे इसको देखते ही, और वो क्या सोचेंगे कि सर तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो भी फॉर्मूला है ना सर ने ऊपर भी पढ़ा दिया, और यहां पर सर क्या बता रहे थे कि यहां पर हुम का यूज होगा, और अब यही फॉर्मूला हुज में लिख दिया और बोल रहे कि हुज का यूज होगा। ठीक है, ठीक है सर, आप तो हमें बेवकूफ बना, ना बेटा बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला मैंने हुज में लिखा है तो इसका भी कोई रीजन है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहां पे, पर्सन पर्सन वर्ब, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसका यूज अपन हुज में कब करेंगे, अगर इस पर्सन का इस पर्सन से क्या निकल जाता है बेटा जी, रिलेशन निकल जाता है, तो अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, हुज को ही प्रायोरिटी देंगे, हुम को प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब हुम और हुज में डिफरेंस समझाने के लिए मैं दो सेंटेंस आपके सामने रखूंगा और आप उनमें, ठीक है, डिफरेंट, उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि कहां पे किसका यूज होगा। तो मैं यहां पर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा दिस इज सिमरन, मैंने एक सेंटेंस लिखा साहब दिस इज सिमरन, और मैंने यहां पर लिख दिया बेटा फादर, ठीक है, और मैं यहां पर बोल दूं बेटा हेल्प्ड मी,
helped me last night. ये मैंने एक sentence लिखा है आपके सामने, और इस sentence में मैंने आपको option दे दिए, एक तो दे दिया whom और एक option मैंने आपको दे दिया whose. एक sentence और दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपका idea clear हो सके कि कहाँ पे whom का use होगा और कहाँ पे whose का use होगा. तो next मैं आपको sentence देता हूँ और मैंने लिख दिया this is the woman. मैंने आपके बाद लिखा है this is the woman, ठीक है, और मैं यहाँ पर बोल दूँ बेटा you, ठीक है, और मैं बोलूं यहां पर saved from, और ये मैंने लिख दिया बेटा यहां पर robbers, मैंने आपके सामने लिखा है. और यहां पर मैं फिर आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो whom का और नेक्स्ट ऑप्शन किसका दे रहा हूं बेटा whose का. देखो यहां पर जिन बच्चों ने बोर्ड पे ध्यान दिया है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि उनको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, उनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. और यहां पर क्या आएगा उनको खुद को भी पता है, मेरे को ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार, जिन बच्चों को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा ध्यान देंगे. देखो बेटा ब्लैंक से पहले अपने को सिमरन दे रखा है, सिमरन एक पर्सन है, ठीक है, ब्लैंक के बाद में अपने को फादर दे रखा है, फादर एक पर्सन है, ठीक है, और ब्लैंक के फादर के जस्ट बाद में अपने को वर्ब दे रखी है हेल्प्ड, ठीक है, और नीचे वाले सेंटेंस में अपने को क्या दे रखा है बेटा वुमन दे रखा है, वुमन एक पर्सन है, ठीक है, इसके जस्ट बाद में यू दे रखा है, ये भी एक पर्सन है, ठीक है, और फिर सेव्ड एक वर्ब है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिमरन और फादर का कोई रिलेशन निकल रहा है क्या, तो आपका जवाब आएगा हाँ सर, सिमरन का यहां फादर से रिलेशन निकल रहा है. हम कह सकते हैं कि ये बाप बेटी का रिलेशन निकल रहा है, ठीक है, फादर और डॉटर का रिलेशन निकल रहा है. तो जहां पर रिलेशन शो हो जाता है ना, वहां पर ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, वो किस में चला जाता है बेटा हूज में चला जाता है. और देखिए मेरे को यहां तक आप बताना कि यहां पर वुमन दे रखा है और वुमन के बाद में क्या दे रखा है अपने को यू दे रखा है. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वुमन का यू कोई रिश्तेदार होता है क्या? वुमन का रिलेशन सन से निकल सकता था, वुमन का रिलेशन हस्बैंड से निकल सकता था, वुमन का रिलेशन सिस्टर से निकल सकता था, वुमन का रिलेशन ब्रदर से निकल सकता था, पेरेंट से निकल सकता था, टीचर से निकल सकता था, बट यू कोई रिलेटिव नहीं है. तो इस सिचुएशन में मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा बेटा हूम, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा हूम लिख दूंगा, ठीक है. आई होप बच्चों आपको आज जो मैंने दो टॉपिक आपको पढ़ाए, दो रिलेटिव प्रोनाउन हूम और हूज जो मैंने पढ़ाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है. आगे, ठीक है, हमारी क्लासेस से आप जुड़े रहें. आगे का जो इसका पार्ट रहेगा वो अपना थर्ड वीडियो जब आएगा उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक अपील है कि इस कोरोना टाइम पर, ठीक है, आप अपना, अपने परिवार वालों का क्या रखिए, ध्यान रखिए, और जहां तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाए रखें, ठीक है. धन्यवाद.